जिन भी किसान भाइयों ने RVSM की 1135 या फिर कोई भी लंबी अवधि वाली सोयाबीन वेराइटी जो 100 से अधिक दिनों में पककर तैयार होती हो ऐसी सोयाबीन वेराइटी लगाई है, तो उन किसान भाइयों को 5 ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी सोयाबीन का उत्पादन 100% गारंटी के साथ बढ़ेगा। पिछले साल का हम सबको पता है कि RVSM 1135, 2024, JS 2172 या RVSM 1104 लंबी अवधि में पकने वाली वेराइटी जो खासकर फैलाव के लिए जानी जाती है, वह अतिरिक्त अनुकूल मौसम के चलते या अधिक बीज दर डलने के कारण अधिक फुटाव और अधिक फैलाव की जगह अधिक लंबाई ले रही है। इसकी हाइट सामान्य से अधिक ऊंचाई ले रही है। अधिक उत्पादन लेने के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी वक्त हाइट को रोकना होगा और सामान्य ऊंचाई पर ही रखना होगा। सामान्य ऊंचाई यानी हमारे घुटनों तक या इससे थोड़ा ऊपर, अगर ये हमारी थाई या कमर तक आ रही है तो उत्पादन कम आएगा। इसे हमें पहले ही इतना बड़ा होने से रोकना होगा। इसके लिए हमें शुरू से ही नाइट्रोजन को कम मात्रा में रखकर फास्फोरस और पोटाश की मात्रा को बढ़ाना होगा। शुरू से ही आप अधिक फास्फोरस वाला NPK स्प्रे करेंगे तो हाइट सामान्य ही रहेगी, और अगर ये उपयोग नहीं करते हैं तो फिर आप हाइट रोकने के लिए PGR का उपयोग करें, टाबुली, चमत्कार और लियोसिन जैसी दवाइयों का स्प्रे करें। इसके हाइट रुकेगी और फैलाव बढ़ेगा, अधिक फूल आएंगे, जड़ें गहरी, पत्तियों का कलर सही होगा। इतना सब होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी ही होगी। 1135 जैसी लंबी अवधि वाली वेराइटियों के लिए यही हमारा टॉनिक है। इसके अलावा कोई और टॉनिक नहीं लेना है। और अगर फिर भी बहुत मन कर रहा है टॉनिक डालने का तो आप केवल मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए जिसमें जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, फेरस उपलब्ध हो। ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लेकर फूल आने से पहले या फूल के समय कर्रे बनते समय इनमें किसी भी समय स्प्रे कर दीजिए जिससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा। 1135 जैसी वैरायटी में फूल 40 दिन के आसपास दिखाई देने लगते हैं और इससे पहले हम कीटनाशक का एक स्प्रे कर चुके होते हैं, तो पिछले स्प्रे और फूल आने के बीच का जो समय है उसमें हमें कीटनाशक का तालमेल बिठाना है। पहले स्प्रे में ही हमें ऐसा कीटनाशक लेना है जो फूल आने तक यानी 40 दिन तक की फसल होने में काम कर जाए, क्योंकि फिर हमारा दूसरा स्प्रे आएगा फूल और फुटाव के लिए और लंबी अवधि वाली कीटनाशक दवाई के लिए। ये दवाई जब तक काम करे जब तक सभी फूल कर बन जाए। अब हम तीसरा स्प्रे मुख्य फंगिसाइड के तौर पर लंबी अवधि वाली कीटनाशक के लिए दाना भरने के लिए करते हैं, तो इन सभी स्प्रे के बीच का सही समय ध्यान रखेंगे तो फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान नहीं होगा तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। पिछले साल भी लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी में तना गलन की समस्या आई थी और इस बार भी तना गलन की समस्या दिख रही है। इसमें तना मिट्टी के पास से फटता हुआ, सड़ता हुआ और टूटा हुआ दिखाई देगा, तो इसका ध्यान रखिए कि ये कितनी मात्रा में हो रहा है, सभी पौधों में है या कुछ एकाध पौधों में ही है। अगर अधिक संख्या में हो तो इसका भी उपचार करें। कई किसान भाइयों ने 1135 इस चक्कर में भी लगाई है कि अधिक जल भराव वाली जगह में भी हो जाएगी, तो आप भी इस मुगालते में न रहें। अन्य वेराइटियों की तुलना में यह अधिक पानी सहन कर सकती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे खेत में पानी भरा हुआ है और यह सही से पक जाएगी। इसलिए जल निकासी की व्यवस्था करें, समय समय पर फसल में सभी कीटों की निगरानी करें और नुकसान से पहले या नुकसान दिखाई देने पर ज़रूर इलाज करें। अब तो आप मानते हैं ना कि इन सभी बातों का ध्यान रखने से आपकी फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। हमें हमारी कोशिश करनी है, बाकी प्रकृति के ऊपर छोड़ दे। पूरी मेहनत के बाद जो मिलना होगा मिल जाएगा। और चैनल पर आए नए मेहमान अगर सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो हमें भी एक जागरूक किसान मिल जाएगा।